लुकिंग फॉर जॉब, तो गैस वो आपको यस कर देना है। उसके बाद में देख देने के बाद में गैस डाउनलोड हो जाएगा, तो इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए किस ई श्रम कार्ड अभी कैसे बनाना है, मैं आप लोगों को फुल डिटेल्स में यहाँ मैं समझा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पर बने रहिए और कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर में मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोग रजिस्टर ऑन ई श्रम पर जाना है, सीएससी से मैं दिखा रहा हूँ, बट ये आप लोग सीएससी अगर नहीं है आपके पास तो भी गैस आप लोग बना सकते हो, बट मैं सीएससी से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अभी देखिए किस रजिस्टर ऑन ई श्रम पर क्लिक कर देना है, तो फाइनली गैस इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में हमें डिटेल सेवा लॉग इन फॉर सीएससी है, तो गैस आपको ये हमें क्लिक हियर बोल के दिख रहा होगा, तो गैस क्लिक हियर पर आपको क्लिक कर देना है। अभी गैस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो डिटेल सेवा का जो भी पासवर्ड, मतलब सीएससी का जो भी पासवर्ड आईडी है वो आप लोग दे दीजिए, और उसके बाद में ये आप लोग कैप्चर फिलअप करके साइन इन करिए, तो साइन इन कर देना है। देखिए गैस मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो फाइनली गैस आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, अभी एक सेकेंड रुकना है, आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो UW बोल के है, UW रजिस्टर, तो गैस UW रजिस्टर पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आप लोग जॉब वगैरह वगैरह सब कुछ, पेंशन वगैरह वगैरह भी देख सकते हो, एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो अपना वो भी जो भी है उससे, आधार लिंक ई श्रम कार्ड से। उसके बाद में देखिए किस यहाँ पर आपका आधार मोबाइल नंबर जो भी है वो दे देना है, आधार मोबाइल नंबर देने के बाद में नीचे में कैप्चर दे देना है, उसके बाद में दोनों में नो नो कर देना है, उसके बाद में सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ओटीपी जाएगा आपका जो भी है मोबाइल नंबर प्रिफर्ड, तो उसी पर जाएगा, और वहां पर आपको देख के यहां पर ओटीपी दे देना है। 3 मिनट्स आपका हाथ में टाइम रहेगा ओटीपी देने के लिए। उसके बाद में सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, सबमिट पर क्लिक कर देने के बाद में आधार नंबर दे देना है जो भी है आपका 12 डिजिट का आधार नंबर, और उसके बाद में नीचे में देखिए किस फिंगरप्रिंट है और आयरिस है, आँख का और फिंगरप्रिंट है। अगर आपका डिवाइस दोनों ही है तो गैस कोई भी आप लोग सिलेक्ट करके इजीली बना सकते हैं। उसके बाद में कैप्चर दे देना है, उसके बाद में देखिए किस कैप्चर देने के बाद में मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ। आई एग्री पर क्लिक कर देना है, आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर ई श्रम पोर्टल, और कैप्चर बायोमेट्रिक पर क्लिक कर देना है। कैप्चर बायोमेट्रिक पर क्लिक कर देने के बाद फाइनली गाइस पुट योर फिंगर बोल के आएगा नीचे में, आप लोग देख सकते हो मंत्रा और कैप्चर सक्सेस, आप लोग देख सकते हो कैप्चर सक्सेस हो चुका है। उसके बाद में सक्सेसफुली कैप्चर पीआईडी, प्लीज प्रेस वैलिडेट बटन टू कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, तो देखिए इस ओके कर देना है, उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। वैलिडेट पर क्लिक कर देने के बाद में प्लीज वेट दिखा रहा है गाइस, थोड़ा वेट करना है। तो फाइनली गाइस इस तरीके का आपका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अभी आपको क्या कर देना है देखिए गाइस, मैं करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले यह में आपका पर्सनल डिटेल्स होगा एज पर आधार कार्ड का, और यह में पर्सनल इंफॉर्मेशन होगा, एड्रेस होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, ऑक्यूपेशन एंड स्किल होगा, उसके बाद में बैंक डिटेल्स होगा। तो देखिए गाइस उसके बाद में अगर आपको बैंक जाना है तो बैंक जा सकते हो यहाँ पर, और अगर कंटिन्यू कर देना है तो गाइस कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर क्लिक करिए, और यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और इमरजेंसी मोबाइल नंबर, उसके बाद में ईमेल दे देना है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस दे देना है, और सोशल कैटेगरी ओबीसी एमओबीसी जो भी है वो दे दीजिए, उसके बाद ब्लड ग्रुप दे दीजिए, उसके बाद में डिसेबिलिटी एबिलिटी येस है तो येस, नो है तो नो, कोई भी दाग वगैरह वगैरह है अगर शरीर में तो वैसे वो आप लोग दे सकते हो, और नेम नॉमिनी का डिटेल्स, नेम नॉमिनी का नेम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, मतलब ऊपर में जिसका भी बना रहे हो उसका मतलब क्या रिलेशन लगता है वो, और नॉमिनी एड्रेस और मोबाइल नंबर, और उसके बाद में जो भी है विलेज दे देना है, उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। सब कुछ करके आपके सामने में होगा रेसिडेंटल डिटेल्स आएगा, रेसिडेंटल डिटेल्स में अपना नेटिव होम स्टेट और ये सब कुछ दे देना है। उसके बाद में देखिए इस करंट एड्रेस में आपको रूरल और अर्बन है, रूरल का मतलब गांव, अर्बन का मतलब शहरी, आप लोग अपना हिसाब से दे दीजिए। उसके बाद एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2,
एड्रेस लेटर, उसके बाद में स्टेट, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, और नीचे में आप लोग देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट देने के बाद में सब डिस्ट्रिक्ट तहसील है, तो तहसील जो भी है आपका दे दीजिए। उसके बाद में सिलेक्ट कर देना है गाइस, उसके बाद में पिन कोड दे देना है, और उसके बाद में हमें स्टेइंग एट करंट लोकेशन, कितने साल से आप लोग अपना जो भी है करंट लोकेशन है एड्रेस में रह रहे हो, तो गाइस वो आपको हमें दे देना है, ईयर दे देना है, मतलब आप 10 साल से उस जगह पर हो या तो 20 साल से उस जगह पर हो, वो आपको दे देना है। और उसके बाद में देखिए परमानेंट एड्रेस, अर्बन है तो अर्बन, रूरल है तो रूरल, उसी तरीके से एड्रेस लाइन वन, एड्रेस लाइन टू, बहुत ही सिंपल फॉर्म है गाइस, आप लोग देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद में पिन कोड, उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए गाइस एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप लोग ऊपर में एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करिए, उसके बाद में सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करने से भी हो जाएगा, उसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट नहीं करने से भी हो जाएगा आप लोग। उसके बाद में देखिएगा ऑक्यूपेशन एंड स्किल आएगा, तो गैस यहाँ पर आपको अपना हिसाब से दे देना है। अगर आप लोग कोई भी काम करते हो लाइक उबेर और ओला, उसके बाद में जोमेटो में काम कर रहे हो, तो गैस आपको यस कर देना है वरना नो कर देना है। उसके बाद में देखिएगा प्राइमरी ऑक्यूपेशन जस्ट लिख देना है, कल्टिवेशन खुद ही आएगा वहां में, आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन इन इयर्स बोल के गाइस, जितना है वर्किंग एक्सपीरियंस आप लोग दे दीजिए। उसके बाद में सेकेंडरी ऑक्यूपेशन आप लोग अपना हिसाब से दे सकते हो, कोई भी कल्टीवेशन क्रॉप दे सकते हो। उसके बाद में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट गाइस आप लोग दे दीजिए, अगर है तो दे दीजिए, नहीं है तो गाइस ये ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद में हाउ डिड यू एक्वायर स्किल, कैसे आपने जो भी एक्सपीरियंस लिया है वो एक्वायर किया है, मतलब नॉलेज लिया है। अगर आप लोग ट्रेनिंग करके, अगर आपने ट्रेनिंग करके लिया है तो गाइस आप लोग नीचे में सेलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं किया है फॉर्मल वोकेशनल है गाइस आप लोग वो सेलेक्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से सेलेक्ट करिए। उसके बाद में इंटरेस्टेड इन स्किल अपग्रेड, तो गाइस टू रिसीव फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग पर क्लिक कर देना है। एनी सर्टिफिकेट में आप लोग जो भी दे सकते हो, यस है तो यस, नो है तो नो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो फाइनली सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देने के बाद में देखिए अभी बैंक अकाउंट डिटेल्स पूछे गए हैं, यहाँ पर आपका जो भी है बैंक अकाउंट डिटेल्स दे दीजिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स दे देना है, बैंक सेडिंग विथ आधार दे देना है, बैंक अकाउंट नंबर दे देना है, उसके बाद कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर नेम दे देना है, उसके बाद में आईएफएससी कोड दे देना है, उसके बाद में बैंक नेम और बैंक ब्रांच नेम, मतलब ये अपने आप ही आ जाएगा। उसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देने के बाद फाइनली गाइस इस तरीके से आपका प्रीव्यू सेल्फ डिक्लेरेशन दिखाएगा, तो गाइस ये आप लोग प्रीव्यू देख सकते हो, मतलब एक बार आप लोग चेकआउट कर सकते हो कितना आपका सही है कितना रॉन्ग हुआ है, तो वो अच्छे तरीके से चेकआउट करिए एक बार। और जो सब कुछ कर देने के बाद में I undertake that I am neither a member of government service, मतलब ना तो आप लोग गवर्नमेंट सर्विस करते हो ना तो आप लोग कोई भी टैक्स पे करते हो, तो गाइस वो अगर सब कुछ सही है ऊपर का वो भी नहीं करते हो, कोई भी आप लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं है आपका, तो गाइस वो आपको एग्री कर देना है, वरना उसको नो कर दीजिए, आपका ये नहीं बनेगा। तो अपना हिसाब से करिए गाइस ये एग्री, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, सब कुछ देने के बाद आर यू लुकिंग फॉर जॉब, तो गाइस वो आपको यस कर देना है। उसके बाद में देखिए फाइनली हो जाएगा, इतना ही गाइस आपका इजीली बन जाएगा ई श्रम कार्ड। तो देखिए थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, योर यूएन नंबर हैज बीन सेंट बाय एसएमएस योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और प्लीज रिफ्रेश इफ योर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आर नॉट कंप्लीटली, अगर आपका डिस्प्ले नहीं हो रहा है कंप्लीटली नहीं हो रहा है गाइस, आप लोग कंप्लीट करने के लिए रिफ्रेश करिए और ये अपने आप ही डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद डाउनलोड करिए, इस तरीके से आपका शो होगा, और नीचे में देख सकते हो गाइस आप लोग फाइंडिंग एलिजिबिलिटी स्कीम देख सकते हो, तो साइड में देखिए ये सब कुछ एलिजिबिलिटी लुकिंग फॉर जॉब पेंशन करने के बाद में गाइस डाउनलोड हो जाएगा ई श्रम कार्ड। ठीक है, बैक टू माई होम पर जाना है, और अभी आपको जॉब पेंशन वगैरह वगैरह देखना है, एलिजिबिलिटी चेक करना है, तो कैसे यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो और इजीली ई श्रम कार्ड से आप लोग
पेंशन भी ले सकते हो, जॉब भी ढूंढ सकते हो, सारा कुछ यहाँ से हो जाएगा। तो अपने हिसाब से करिए गाइस, आज का मेरा वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय जय भारत।